वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पावर प्लांट इंजीनियरिंग। टुडे वी डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू बॉयलर ऑपरेशन एज वेल थर्मल फ्लूइड हीटर ऑपरेशंस। दोस्तों जो आज का वीडियो है वो रिलेटेड टू बॉयलर ऑपरेशन तो होने वाला है, साथ साथ में क्या है जो थर्मल फ्लूइड हीटर होते हैं उसके रिगार्डिंग ऑपरेशन करने में ये वीडियो काफ़ी इफेक्टिव है। क्योंकि दोस्तों हमने जैसे देखा कि डे बाय डे जैसे कि पोल्यूशन के नॉर्म्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो सभी लोगों ने जो कंपनी ऑनर्स है सभी ने सोचा है कि क्यों ना हम अपने जो पोल्यूशन इक्विपमेंट्स है जैसे कि बैक फिल्टर है, वेट स्क्रबर है, ESP है, तो इस तरीके जो सारे इक्विपमेंट्स हैं इन पर क्या है काम करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो अच्छे तरीके से वर्क करे और जो हमारा एमिशन है वो उनको कंट्रोल कर सके और जो कि उसके एमिशन के जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको ह्यूमन बींग क्या है उसको जो ह्यूमन बींग पर उनके ड्रॉबैक्स है वो ह्यूमन बींग पर ना हो। तो दोस्तों ऐसे ही आज जो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ वो पोल्यूशन इक्विपमेंट है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मेरे व्हाइट बोर्ड पर देख ही लिया होगा कि ये किसके बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है वर्किंग ऑफ बैक फिल्टर। बैक फिल्टर भी दोस्तों एक पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट से, तो इसमें क्या क्या लगा हुआ होता है, किस तरीके से वर्क करता है और इसका वर्किंग क्राइटेरिया कैसे कैसे करता है, और देखा जाए तो क्या है जो अपना किस तरीके से ये जो जो डस्ट पार्टिकल है फ्रॉम द फ्यूल गैसेस कैसे सेपरेट करता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं जिसके जनरल अरेंजमेंट्स बता देता हूँ इसमें क्या क्या लगा हुआ। सबसे पहले तो दोस्तों जो सबसे पहले यहाँ आपने देखा है, मैं इधर अपने ही साइड से स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि डर्टी एयर है अपने प्रोसेस से या फिर बॉयलर से या फिर हीटर की फन से जो भी वेस्ट फ्यूल गैसेस आती है वो यहाँ से इनलेट होती है। तो दोस्तों ये क्या है, ये इसका होपर है और ये दोस्तों ये क्या है, ये इसका स्क्रिल केज है। इसके केज के ऊपर ही जो ये मैंने डॉटेड करके मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये क्या है, ये फैब्रिक है, फैब्रिक क्लॉथ हम इसको बोल सकते हैं, जो कि जो सूट पार्टिकल है जो डस्ट है वो क्या है फ्लू गैसेस से यही सेपरेट करने का काम करता है। तो दोस्तों ये क्या है, ये हमारा क्या है एयर हेडर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये एयर हेडर है यहाँ पे, जो कि इसमें इंस्ट्रूमेंट एयर कंटिन्यूअली कम से कम 5 to 5 kg सेंटीमीटर स्केयर का क्या है इसमें एयर प्रेशर रहता है, जो कि इंस्ट्रूमेंट एयर होती है जो कि ड्राई होनी चाहिए, सबसे इफेक्टिव क्या है ड्राई होनी चाहिए। ये दोस्तों जो ये ड्राई एयर नहीं होगी तो क्या है जो मॉइस्चर पार्टिकल्स है वो क्या है जो अपने जो ये फैब्रिक फिल्टर है जैसे ही हम इसको पल्स जेट देंगे तो क्या है ये जो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है इसके साथ स्टिक आउट हो जाएगी, जो हमारी जो 10 पार्टिकल इधर से आएंगे तो क्या है ये इस पर डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगी और एक क्या इस पर हार्ड स्केल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा जिससे कि ये आसानी से काम नहीं कर पाएंगे। तो आगे फर्दर इसके बारे में और डिस्कस करते हैं, तो पहले इसके जनरल अरेंजमेंट जान लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, ये इसका इंस्ट्रूमेंट एयर हेडर है, जो ये क्लीनिंग चैम्बर ओरिफिक्स है। आपने ये देखा होगा कि जिस तरीके से ये दिखता है, मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर प्रोवाइड कर दूँगा जिससे कि आप क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके दिखता है। तो दोस्तों ये ब्लो पाइप है जिसमें कि एयर प्रेशर रहता है 3 to 5 kg सेंटीमीटर, और ये क्या है अपने क्लीन एयर आउटलेट, और इसको हम क्या कह सकते हैं जो भी इसको हम डस्ट चैम्बर कह सकते हैं, इसमें क्या है डर्टी चैम्बर लिखा हुआ है। तो ये तो इसकी कुछ जनरल अरेंजमेंट थी, और इसके बॉटम में क्या है एक RAV लगी होती है जो कि हमारा कंटिन्यूसली जो एस होपर में डिपॉजिट होती है उसको निकालती रहती है टाइम टाइम से। तो दोस्तों अभी ये तो इसकी जनरल अरेंजमेंट्स की बात हो गई, अभी बात करते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों यदि वैसे तो हम नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं बैक फिल्टर बोलते हैं, लेकिन इन द सेंस ऑफ कहा जाए तो ये पल्स जेट बैक फिल्टर है जिसमें कि एयर की पल्स हम क्या है पर्जिंग के लिए इसको देते हैं ताकि जो भी हमारे सूट डिपॉजिट हैं ऑन द फैब्रिक क्या है वो साथ साथ झड़ते रहें और क्या है जो फैब्रिक क्लीन रहे ताकि वो आगे फर्दर वर्क कर सकें। तो अभी इसके वर्क के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसे हमारा जो मैं इसकी इंस्टॉलेशन आपको बता देता हूँ ये कहाँ कहाँ पे लगा हो सकता है। तो दोस्तों यदि इन टर्म ऑफ थर्मिक फ्लूइड हीटर की बात करें तो ये क्या है अपना आफ्टर MDC लगा होता है, और यदि बॉयलर की बात करें ये साइक्लोन के बाद में लगा होता है। तो दोस्तों क्या है इसके लगाने का पर्पज़ क्या है मैं आपको एक बता देता हूँ, जो कि हमारा जो कि जैसे कि यदि इन टर्म ऑफ जो
अपने 8 से 10 टन के बॉयलर होते हैं उसमें क्या है साइक्लोन स्प्लिटर लगा रहते हैं। आफ्टर दैट क्या साइक्लोन स्प्लिटर क्या है वो बिगर डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है, जैसे कि 10 से लेकर 100 माइक्रोन तक के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उसको रिमूव करता है। लेकिन देखा जाए जो लेस देन 10 माइक्रोन के जो पार्टिकल रह जाते हैं फ्लू गैसेज में वो कौन रिमूव करता है, वो दोस्तों बैकफिल रिमूव करता है। उसकी सूट कलेक्टिंग इफिशेंसी वो 99% है। और यदि देखा जाए तो इसका जो मात्र 10 मिलीग्राम क्या है ये अपने डिस्चार्ज करता है, यदि एमिशन की भी बात करें तो ये डिपेंड करता है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ फ्लू गैसेज बैक फिल्टर विल बी हैंडल्ड। तो ये सारे डिपेंड टू डिजाइन कर सकते हैं। इसमें क्या है जैसे कि नंबर गैस वॉल्यूम ज़्यादा है तो क्या है इसमें जो ये स्क्रिल केजेस है एन नंबर ऑफ स्क्रिल केजेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम इसकी वर्किंग के बारे में बात कर रहे थे। तो दोस्तों जैसे कि हमारी डर्टी एयर जो कि अपने APH या फिर MD से आती है या फिर साइक्लोन से आती है वो क्या है फर्दर क्या है हम यहाँ से वो इनलेट करें होगी, तो इनलेट होने के बाद बाई थ्रू द होपर क्या है ये ऊपर की तरफ आएगी। ये दोस्तों ऊपर की तरफ आने का क्या मीनिंग है इसका, तो दोस्तों जो ये हमारी डक्ट है जो क्लीन डक्ट है ये क्या है हमारे जो RD फैन है उसके सक्शन से कनेक्ट होती है। तो दोस्तों होगा क्या है यहाँ कंटिन्यूसली क्या है एक सक्शन इफेक्ट क्रिएट रहेगा ड्यू टू द RD इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। तो दोस्तों जैसे जैसे ये क्या है गैसेस क्या है ऊपर की तरफ फैब्रिक फिल्टर की तरफ आएगी तो क्या है ये पूरा टोटली आइसोलेटेड होता है, एक पूरा क्लोज एक प्लेट लगी होती है। आफ्टर दैट उस प्लेट की क्या है हाउसिंग बना रखी है, हाउसिंग में ये क्या स्क्रिल केज हमने फिट किया है और इसके ऊपर क्या हमने फैब्रिक लगाया है। तो होगा क्या दोस्तों कि दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे क्या है ये आइसोलेटेड हो गया। तो क्या है जो ये पोरस पार्ट ये जो हमारा फैब्रिक है इसमें जो क्या है पोर्स होते हैं बिल्कुल महीन, तो क्या है एयर क्या है उसकी एयर क्या है उनके द्वारा ही क्या है उस क्लीनिंग चैम्बर में आएगी। इस क्लीनिंग चैम्बर में आएगी तो क्या है जो हमारे बिगर जैसे कि पोर अपना मान लेते हैं कि 2 माइक्रोन का हो गया तो उससे बिगर देन जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या है इसमें स्टिक हो जाएंगे, इस पर ऐसे स्टिक हो जाएंगे। तो आफ्टर दैट क्या है जो हमारी क्या है क्लीन एयर क्या है अपनी क्लीनिंग चैम्बर के थ्रू आईडी में के सक्शन के थ्रू एम्बिएंट में चली जाती है। तो अभी दोस्तों ये क्या है कंटिन्यू क्या है ये क्या है डस्ट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी इनके ऊपर। तो दोस्तों एक मान लेते हैं कि विद इन 2 से 3 मिनट क्या है हमारे यहाँ पे क्या है सीक्वेंस कंट्रोलर लगा होता है। सीक्वेंस कंट्रोल क्या काम करता है जो हमारा जो यहाँ पे एयर हेडर होता है जो ये पल्स डायफ्राम वाल है इनको ऑपरेट कराता है। क्योंकि दोस्तों देखा जाए क्या है इसमें कंटिन्यूसली क्या है एक सोलोनॉइड वाल लगे होते हैं यहाँ पे आपने यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे दिखा रखा है सीक्वेंस कंट्रोलर, ये एक इलेक्ट्रिकल एक डिवाइस है जो सर्किट बोर्ड की तरह काम करता है। तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे एक हेडर देके क्या है ये हेडर क्या है इनलेट में दे रही है लेकिन क्या है आउटसाइड में भी हेडर होता है तो उसकी क्या है ये क्या है जो यहाँ पे सोलेनॉइड वाल लगे होते हैं जिसको हमने यहाँ पे डायफ्राम वाल दिखाया है यहाँ पे। तो दोस्तों ये कहते क्या है ये अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस कंट्रोलर क्या है ये सोलेनॉइड वाल ऑपरेट होते हैं। तो दोस्तों ये सोलेनॉइड ऑपरेट होते हैं तो क्या जैसे कि ये ऑपरेट हो गया तो यहाँ पे क्या है एकदम से क्या है जो 3 से 5 kg का प्रेशर है वो सडनली से क्या है एकदम से इसके अंदर आएगा, जो भी डस्ट पार्टिकल इसके ऊपर होंगे वो क्या है झड़ जाएंगे हिल। तो एकदम जैसे कि एक पल्स आएगा एक झटका सा देगा वो क्या है जो ड्यू टू द सेकिंग मोशंस क्या है वो डस्ट पार्टिकल क्या है वो नीचे झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे ड्यू टू द इनर्शिया। तो ऐसे ही ये है 1 2 3 4 5। तो ये क्या है स्क्विज कंट्रोल क्या है जो हमारे यहाँ पे स्क्विज कंट्रोलर है ये करता क्या है ये 1 by 1 सोलेनॉइड वाल्व को ऑपरेट कराता है। तो जिससे कि क्या है 1 by 1 क्या है प्रॉपर प्रेशर से जो अपनी पल्स है वो यहाँ पे जो पल्स डेट है एयर वो इसमें इंट्रोड्यूस हो और क्या है हमारे इफेक्टिवली इनका क्लीनिंग हो सके। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है हम अपना ये जो डस्ट डिपोजिट है उसको हम क्लीनिंग करते हैं। क्या है कंटिन्यूसली प्रोसेस है वो ये चलता ही रहता है। तो आफ्टर दैट क्या है दोस्तों क्लीन एयर हमारी आईडी फैन के थ्रू क्या है बाहर निकल जाती है।
तो दोस्तों ये तो था कि अपना पल्स रेट पैक फिल्टर कैसे काम करता है, तो ये तो इसकी वर्किंग थी। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में आप अंडरस्टूड नहीं हो अभी तक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और डेफिनेटली मैं आपका हेल्प ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों आफ्टर दैट इसमें एक पार्ट और रह गया। आफ्टर दैट क्या, जो भी हमारा ड्यू टू द सेकिंग मोशन क्या, जो भी हमारा डस्ट पार्टिकल यहाँ पे होपर में कलेक्ट होगा वो विल द हेल्प ऑफ क्या है, वो आरयूवी क्या है, कंटिन्यूसली नीचे डिस्चार्ज होता रहता है। आरयूवी स्टैंड तो रोटरी एयर लॉक वाल्व, क्योंकि दोस्तों ये जो एम्बियंट के एयर को क्या है वो उसको जो फैक फिल्टर में के अंदर नहीं जाने देती, क्योंकि इसमें मात्र 1.1 से 2 mm का जो ग्रेड स्कैप रहता है वो क्या है जो हमारा फाइन पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, वो क्या है उनके थ्रू क्या है नीचे निकलता रहता है, जिससे कि हमारा एक यहाँ पे एक आइसोलेशन क्रिएट होता रहता है, क्योंकि एक साइड से हमारी क्या है कंटिन्यूट क्या है एस निकलती रहती है, और यहाँ से क्या है जो हमारा गैप है यहाँ पे क्या है इसको फिलअप कर देता है विद द हेल्प ऑफ डस्ट, क्योंकि यहाँ पे भी डस्ट कंटिन्यूसली रहती है। तो क्या है ये हमारा क्या है जो हमारा एम्बियंट एयर है उसको क्या है इनसाइड द बैक फिल्टर इंग्रेस नहीं होने देती। तो जिस तरीके से क्या है हमारे जो आईडी फैन पे क्या है वो भी लोडिंग नहीं बढ़ता। तो दोस्तों मेरी तरफ से तो ये आज जो पल्सन जेट ये बैक फिल्टर था मैंने आपको उसके बारे में बताया। यदि आपको लगता है अभी भी इस किसी पॉइंट में आपको कोई भी चीज़ अंडरस्टूड नहीं है तो हम नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है मेरा ये इस साल का लास्ट वीडियो है, और आगे इस नेक्स्ट ईयर में क्या है हम काफ़ी अच्छे कंटेंट आपके साथ लेके आएंगे रिलेटेड टू बॉयलर प्लांट यूटिलिटीज़ रिलेटेड टू थर्मल फ्लूइड हीटर्स, यानी मल्टी यूटिलिटीज़ की नॉलेज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ जितने जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर ली, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे टेक्निकल वीडियो की एक वीडियो लिस्ट लेके आने वाला हूँ, जिस पे जो कि ऑन डिमांड रिक्वेस्टेड वीडियो है उन पर मैं डेफिनेटली वर्क कर रहा हूँ और जल्दी ही आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस साल को एंड करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि दोस्तों मेरी वीडियो के थ्रू आपको कोई भी किसी को भी हर्ट हुआ हो तो डेफिनेटली मैं आपको सबसे क्षमा मांगना चाहूँगा, और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझे कुछ सजेशन दिए डेफिनेटली मैं आने वाले टाइम इनको इम्प्रूव करूँगा और आपके लिए काफ़ी अच्छी टेक्निकल वीडियो लेकर आऊँगा, ये मेरी कमिटमेंट है आप लोगों से। और दोस्तों यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि पुराने हो तो एक इसको लाइक दीजिए और अपना प्यार अगले साल भी बनाए रखिएगा। दोस्तों इस एंड वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको सभी को न्यू वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और ईश्वर आपके और आपके परिवार को हमेशा स्वस्थ और सुखी रखे, यही हमारी कामना है। दोस्तों आज के लिए काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए।